कर्फ्यू के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने जहां लोगों को फल और सब्जी मुहैया करवाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में 120 बसें चलाई हैं, वहीं चंडीगढ़ पुलिस मांग कर रही है कि फल और सब्जी के वितरण के लिए समय निर्धारित किया जाए ताकि लोग कर्फ्यू का उल्लंघन ना कर सके। कर्फ्यू के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को फल और सब्जी मुहैया करवाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं और पुलिस क्यों मांग कर रही है कि फल और सब्जी के वितरण का समय निर्धारित किया जाए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने शमशेर सिंह और चंडीगढ़ नगर निगम के एनफोर्समेंट निरीक्षक मदन लाल शर्मा से। कर्फ्यू के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को खाने पीने की चीज़ मुहैया करवाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, इस समय मेरे साथ हैं चंडीगढ़ नगर निगम के एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर ML शर्मा, इनसे जानते हैं। जी सर, आयुक्त नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा लगभग 60 के करीब टीमें बनाई गई हैं जिनमें अलग अलग सतर के अधिकारी भी शामिल हैं। उनमें उनको चलाने के लिए उन्होंने लगभग 120 के करीब बसें CTU से ली गई हैं। चंडीगढ़ के हर कोने में उनका भरसक प्रयत्न यह रहा है कि सभी आदमी के पास वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह भेजे जाएं। तो इस व्यवस्था के चलते हुए है ना, मेरी ड्यूटी यहाँ सेक्टर 13 मनी माजरा में नियुक्त की गई है। सेक्टर 13 के अंदर 5 बसें भेजी गई हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में, जैसे शिवालिक एनक्लेव है, इंदिरा कॉलोनी है, सुभाष नगर है, ओल्ड मनी माजरा इत्यादि। शर्मा जी, इसके लिए समय भी कोई निर्धारित किया गया क्या? इसके लिए कोई प्रॉपर समय निर्धारित की डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। जैसे ही मंडी से सामान खरीद लेते हैं वेंडर, उसके बाद डायरेक्ट अपने अपनी जगह बताई हुई वहां पहुंच जाते हैं। इस समय मेरे साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से नगर निगम ने सब्जी और फ्रूट लेने के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया, क्या पुलिस को कर्फ्यू के दौरान कोई समस्या आ रही है या नहीं आ रही? जी समझिए, ये इसका टाइम निर्धारित करना चाहिए प्रशासन ने, भाई किस टाइम है किस टाइम तक, क्योंकि लोग ये भी पूछते रहते हैं भाई किस टाइम बस आए किस टाइम नहीं आएगी। अगर अखबार वगैरह में इसकी ऐड दे दी जाए इस टाइम से इस टाइम तक आएगी तो ये मतलब कर्फ्यू की उल्लंघना नहीं होगी, तो उसी टाइम फिर इनके घर के में जा के सामान प्रोवाइड करवा सकते हैं हम। ये थे मेरे साथ शमशेर सिंह जिनकी यहाँ ड्यूटी तैनात है। इसके साथ साथ मेरे साथ हैं चंडीगढ़ निगम निगम के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर ML शर्मा, इनका कहना है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया करवाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने 120 बसें लगाई हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। वहीं पुलिस ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बसों का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया और ना ही बताया गया है कि किस समय से लेकर किस समय तक सब्जी फ्रूट वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने अनुरोध किया है कि कोई समय निर्धारित किया जाए ताकि जो कर्फ्यू लगा है उसके मायने सही से लोग समझ सकें। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।